इन पांच साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों ने लड़ी बड़ी लड़ाई। साउथ अफ्रीका ने कीवियों को धूल चटाई। साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड टीम को बड़े अंतर से मात दे दिया, 190 रनों के विशालकाय अंतर से। और इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका टीम ने लगभग सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। वहीं उन्होंने इस बड़ी जीत के साथ पॉइंट टेबल के भी दरवाजे खोल दिए। अब वाइड ओपन हो गया है पॉइंट टेबल और चौथे पायदान के लिए लड़ाई तेज हो गई है, खासकर तीसरे और चौथे पायदान के लिए। वहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान टीम भी सजग हो गई है कि उनकी उम्मीदें जग गई है। वो तो बात की बात है, लेकिन अपने इस रिपोर्ट में हम देखने वाले हैं वो कौन से आज के पांच खिलाड़ी रहे, पांच बब्बर शेर रहे साउथ अफ्रीकन टीम के लिए, जिन्होंने कीवियों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी और एक तरफा मुकाबला कर दिया। 190 रनों का जो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर है। और आप सेकेंड इनिंग के चेज में देख सकते हैं कि कभी भी कीवी टीम इस चेज में दिखे नहीं। ये ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि कीवी टीम इस चेज को चेज डाउन कर सकती है। पिछले मुकाबले में उन्होंने कंगारुओं को डराया था चेज में, लेकिन इस मुकाबले में साउथ अफ्रीकन टीम के गेंदबाजों ने और बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से धाराशाही कर दिया इस कीवी टीम को। जो कीवी टीम एक वक्त तक शुरुआती चार मुकाबले जीत कर काफी कमांडिंग पोजीशन में थी, तो लगातार तीन मुकाबले हार कर अब उनके साथ से अटक गई है। अब उनका पॉइंट टेबल में समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आज जो साउथ अफ्रीकन टीम के पांच हीरो रहे, उनमें से जो पहले हीरो थे वो रहे डशन। बहुत ही बेहतरीन पारी खेली डशन ने। शुरुआत में तो संघर्ष करते हुए दिखे, काफी बाले खाई थी, पिच बल्लेबाजों वाली थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि साउथ अफ्रीकन टीम के लिए डिकॉक और डशन उतना अच्छा काम नहीं करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनके पास क्लासेन थे, मिलर थे, मार्करम थे। तो ये ऐसा चर्चाएं होने लगी थी मिडिल ओवर्स में कि शायद इन दोनों ने थोड़ा सा रनगति पर कंट्रोल रखा हुआ है, थोड़ा सा साउथ अफ्रीकन टीम को डिसएडवांटेज हो रहा है इनकी बल्लेबाजी के कारण। लेकिन जब एक बार सेटल हो गए डसन, तो उन्होंने तूफान मचा दिया, गदर मचा दिया और 133 रनों की पारी खेली मात्र 118 गेंदों पे। शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन अंत अच्छा रहा, जिस कारण साउथ अफ्रीकन टीम एक विशाल का स्कोर स्कोरबोर्ड पे लगा पाई, 350 प्लस का स्कोर। तो ये किसके कारण पॉसिबल हुआ? वो डशन के कारण पॉसिबल हुआ। बहुत ही बेहतरीन पारी, बहुत ही उम्दा पारी, क्योंकि यहाँ पे संघर्ष भरी पारी रही। तो ये दर्शाता है, ये जो पारी है वो दर्शाता है कि आप टिके रहिए, बने रहिए, प्रेशर को सोक करिए। एक बार अगर आप कंडीशन को एडॉप्ट कर लेंगे तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी। वैसा ही डशन के साथ हुआ। इन्होंने अपने इस पारी के दौरान 9 चौके और 5 छक्के भी जड़े। बात कर लेते हैं अपने इस मुकाबले के दूसरे बब्बर शेर के बारे में, तो क्वेंटन डिकॉक हैं। इनकी जितनी भी तारीफ कर लें, जितनी भी प्रशंसा कर लें, वो कम है। बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज ये साउथ अफ्रीकन टीम के लिए वरदान है। ये इनका आखिरी वर्ल्ड कप है, इसके बाद ये ओडीआई फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लेंगे, जिस कारण इन्होंने अपना जी जान झोंक दिया। ये डिकॉक का इस वर्ल्ड कप में चौथा शतक है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, डिकॉक ने इस वर्ल्ड कप का अपना चौथा शतक ठोक डाला है, और वो भी कितने बेहतरीन अंदाज में। और किस टीम के खिलाफ? उसकी भी टीम के खिलाफ जो दावेदार है इस वर्ल्ड कप जीतने का, भारतीय टीम के साथ साथ साउथ अफ्रीका के साथ साथ। तो साउथ अफ्रीका का ये बड़ा खिलाड़ी बड़े मैच में परफॉर्मेंस करता हुआ दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इनका दमदार प्रदर्शन आया था, और आज कीवियों के खिलाफ भी जब जरूरत थी साउथ अफ्रीकन टीम को, तो ये चढ़कर बोले हैं, जमकर बोले हैं। और यहां पे 114 रन बनाए 116 गेंदों पे। इनकी भी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी, ये भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन फिर अंत भला तो सब भला, वही काम डिकॉक ने करके दिखाया। 10 चौके और 3 छक्के अपने इस पारी में जड़े, और दिखाया कि आपको प्रेशर सोक करने की जरूरत है, और अंततः रिजल्ट आपके अनुरूप ही आएगा। अगर आप लड़ेंगे, जुझारूपन दिखाएंगे, तो चीजें आसान हो जाती हैं क्रिकेट में। आपके स्क्रीन पर आ गए होंगे आज के मुकाबले के तीसरे बब्बर शेर, वो हैं डेविड मिलर। इनकी भी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। आज के मुकाबले में क्लासेन के ऊपर प्रमोशन हुआ। प्रमोशन क्यों हुआ वो आपको बता देते हैं, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन बनाने के कारण, क्योंकि डसन और डिकॉक काफी बेहतरीन पारी खेल रहे थे और वहां पर लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन चल रहा था। फिर साउथ अफ्रीकन टीम ने यही डिसाइड किया कि लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन ही हम बनाए रखेंगे, क्योंकि सेंटनर एक तरफ से ऑपरेट कर रहे थे, जिस कारण उनको तोड़ना था, उनका काट निकालना था। तो डिकॉक गए तो वहां पर किसकी एंट्री हुई? मिलर की। और इन्होंने अपने कप्तान के इस फैसले पर मुहर लगाई, अपने प्रदर्शन के दम पे उन्होंने दिखाया कि जो फैसला
और जो फैसला उनके कप्तान ने लिया है, उनकी टीम मैनेजमेंट ने लिया है क्लासेन के ऊपर प्रमोट करके, वो गलत फैसला नहीं है, बिल्कुल सही फैसला साबित हुआ। 30 गेंदों पे 53 रन ठोक डाले और इन्हीं की तूफानी पारी की बदौलत साउथ अफ्रीकन टीम 350 प्लस पहुंच पाई। नहीं तो अगर मिलर की ये पारी नहीं आ पाती तो 315 या 320 तक साउथ अफ्रीका रुक जाती। तो मिलर की इस पारी कर 20-30 रन साउथ अफ्रीका ने एक्स्ट्रा बनाए और अबव पार स्कोर इस पिच पर बनाया, जिस कारण पहले ही पारी में लगभग क्लियर हो गया था कि न्यूजीलैंड इस चेज को चेज डाउन नहीं करने वाली है। मिलर ने अपने इस पारी के दौरान 2 चौके और 4 छक्के भी जड़े। केशव महाराज ये तो इस जीत के सूत्रधार हैं, चौथे सूत्रधार हैं साउथ अफ्रीकन टीम के लिए। पिछले मुकाबले में भी इन्होंने डटकर बल्लेबाजी की थी, बहुत आवश्यकता थी उनकी पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी से, वहां पे उन्होंने बल्लेबाजी में अपना हुनर दिखाया और अंत तक बने रहे और टीम को जीत दिलाकर ही माने पाकिस्तान के खिलाफ। फिर आज जब गेंदबाजी में इनकी जरूरत पड़ी, क्योंकि साउथ अफ्रीका जितने भी मुकाबले पहले बल्लेबाजी करके जीत रही है वो डोमिनेटिंग अंदाज में जीत रही है, तो आज जब गेंदबाजी में इनकी जरूरत थी तो इन्होंने डोमिनेट किया। और विकेट किसका किसका निकाला ये देखिए, सैंटनर को आउट किया, डेरी मिसेल जो सबसे प्रभावित कर रहे थे न्यूजीलैंड टीम के लिए इस वर्ल्ड कप में, उनको चलता किया और वहीं पे सारी उम्मीदें बंद हो गई, ताला में बंद कर दिया। तो 4 विकेट निकाले, बहुत टर्न कर रही थी इनकी गेंद। सबसे अगर हम बात करें हाईलाइट इनके विकेट का रहा तो वो निशम की डिलीवरी, जहां पर निशम बोल्ड हुए वो बहुत बॉल टर्न की, तो वो अगर हम बात करें आज के मैच की बॉल है, बॉल ऑफ द डे है तो ज्यादा नहीं होगा, और बॉल ऑफ द वर्ल्ड कप भी वो साबित हो सकती है वो ड्रीम डिलीवरी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने निशम को बोल्ड किया, क्लीन अप किया, बहुत ज्यादा गेंद स्पिन की थी। तो 46 रन दिया, 4 विकेट, और कभी भी चेज में न्यूजीलैंड को ये आने नहीं दिए, और केशव महाराज ने दिखाया कि इनके अंदर क्या स्पिन की काबिलियत है। सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि स्पिन से भी ये अपनी छाप छोड़ सकते हैं। मार्को यांसन आज के मुकाबले के 5वें हीरो रहे साउथ अफ्रीकन टीम के लिए। इनकी भी जितनी तारीफ कर लें उतनी कम, क्योंकि यांसन ने इस वर्ल्ड कप में गेंदबाजी से प्रभावित किया है। शुरुआत में ही ये विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए, ब्रेक थ्रू पावर प्ले में ही दिलाते हुए दिख रहे हैं। ये सबसे खास बात है कि शुरू में ही विपक्षी टीम की कमर तोड़ दे रहे हैं। आज के मुकाबले में रन चेज में बहुत आवश्यकता थी कि कॉनवे का विकेट जल्दी मिले, और इन्होंने कॉनवे का विकेट निकाल कर दिया और वहीं से जो चेज था वो साउथ अफ्रीकन टीम के फेवर में आ गया। उन्होंने इस टोटल को बहुत ही बखूबी डिफेंड किया, वो देन किसका था, 190 रनों के बड़े अंतर से जीत प्राप्त हुई है। तो मार्को यांसन और केशव महाराज की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पे यांसन ने 3 विकेट निकाले 8 ओवरों के अपने स्पेल में 31 रन खर्च करके, और यांसन, केशव महाराज, मिलर, डशन और डिकॉक आज के जीत के सूत्रधार रहे साउथ अफ्रीकन टीम के लिए। और इन 5 लड़ाकों के दम पे साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में प्रवेश लगभग कर लिया है। ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट आप मानकर चलें कि साउथ अफ्रीकन टीम के नेट रन रेट के बराबर अब कोई नहीं पहुंच सकता, कोई भी टीम नहीं, इवन भारत भी उस नेट रन रेट को पा नहीं सकती यहां से। तो साउथ अफ्रीका लगभग टॉप 4 में फिनिश करने ही वाली है, अगर वो बाकी मुकाबले हार जाए तो भी। तो आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही, आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।